अभी आप पहले पूरा रिजल्ट आ लेने दें, 12 बजे का इंतजार कर लें, 12-1 बजे के बाद जो है फिर इस पे तब्दीली करेंगे। कौन किसके साथ मिल सकता है, क्या हो सकता है? इस्लामाबाद में तो पीटीआई वाले जश्न मना रहे हैं। हाँ, इस्लामाबाद में NA-46 में तकरीबन, और आमिर मुगल साहब हैं वो जीत चुके हैं, उनके पास सारा तकरीबन रिजल्ट आ चुका है, और वहाँ पे जो PMLN के हैं अंजुम अकील खान साहब, वो अक्सर जगहों पे वो हार गए हैं, लेकिन अभी वो जाहिर बात है 12 बजे के बाद हंग पार्लियामेंट तो नजर आ रही है ना। ये तो कादिर पटेल साहब, कादिर पटेल साहब पीछे है, पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे। ये देखें, ये NHR सवात का नतीजा, सुहेल सुल्तान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं 23,100 वोट लेकर। आपको पता है ना ये सुहेल सुल्तान साहब कौन है? साबिक CM, ये तो सबको पता है महमूद खान साहब कौन है, पीछे साबिक महमूद खान के पीछे है, और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है अब तक जो डिफरेंस। मेरे ख्याल ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत करीब करीब के जब इतना नतीजा आ गया है तो महमूद खान साहब का जीतना यहाँ से बहुत मुश्किल होगा। जीतते नजर आ रहे हैं महमूद खान साहब, ने बड़े बड़े दावे किए, एहतियात करें क्योंकि महमूद खान साहब डायरेक्ट हो जाते हैं, तनकीद करने वाला पर डायरेक्ट हो जाए। हो जाए, हमने क्या कर लेंगे, पहला हल्का होता है तो इसकी भी बात अलग होती है। मोहम्मद तला महमूद JUIFA के उम्मीदवार है 16,261 वोट लेकर आगे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल लतीफ 13,709 वोट लेकर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता, ये एक्चुअली यहाँ पर इसके बारे में आपको थोड़ा सा पसमंजर बताऊं कि तला महमूद साहब चतराल के नहीं हैं, तला महमूद साहब एबटाबाद के हैं, वो मौलाना फजलुर्रहमान साहब की जमात में हैं और अहल सरबत आदमी हैं और वेलफेयर का काम भी बहुत करते हैं, और बहुत ज़्यादा काम उन्होंने चतराल में किया था, तो अपने वेलफेयर काम की वजह से उन्होंने चतराल को चुना। ये सरप्राइजिंग चीज़ सामने नजर आ रही है भाई, कुरम दस्तगीर साहब 78 गुजरावाला, मोहम्मद मुबीन आरिफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 20,661 वोट लेकर आगे है 18,142 वोट लेकर। खुरम दस्तगीर खान PMLN के मरकजी रहनुमा है, पीछे नजर आ रहे हैं शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका मौकिफ तो एक तो वो कर ले, और आप कहें प्रोड्यूसर साहब से ले, और एक सेकंड शाहजेब आप मरियम औरंगजेब को ट्राई करें, तो आज सबसे कम चांस है अभी तक, हो सकता है 12 बजे के बाद चांस बन जाए, आज बहुत कम चांस है। आप देखें ना, तो कम है।